So our today's topic will be the relation between. We'll study about the relation between velocity एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, वी से वेलोसिटी होता है एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये आज का हमारा टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इमेजिन एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस. एक सर्कुलर ट्रैक ऑन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड ऑन द सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट. An object and that object is moving on the circular track. ठीक है, object यहाँ पे ऐसे problem. This is object is moving on a circular track like this. ठीक है, यहाँ पे ऐसे circular track पे कहीं पे जा रहा है. So yeah, object is moving like this on a circular track. जब object जाएगा at that time उसके ऊपर उसकी कुछ velocity होगी. There will be some linear velocity for some instant of time. याद रखना पूरा motion होने के बाद तो total velocity will be zero. Okay? But for some instant थोड़ा सा अगर हम लोग एक motion का path ले लेते हैं then for that instant it will have some linear velocity. थोड़ी देर के लिए उसके पास linear velocity होगी. तो मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली इज एट दिस पोजीशन. ठीक है, वो पहले उसका इनिशियल पोजीशन इधर. आई एम ड्राइंग द एक्स एक्सिस सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एंगल बेटर. ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इनिशियली अ पार्टिकल is at this position. पहले इधर है, थोड़ी देर के बाद ये जो है वो ऊपर चला जाता है. ऑब्जेक्ट मान लो इधर आ जाता है. Then we can say this will be the final angular position. ये हो गई final angular position. So if we compare the angles, ये एंगल होगा थीटा वन इनिशियल एंगल. और थोड़ी देर के बाद जो एंगल हो जाता है उसे बोलेंगे फाइनल एंगल दैट इज थीटा टू. यहां पे होगा एट टाइम टी वन. थोड़ी देर के बाद यहां पे आ गया एट टाइम टी टू. कितना टाइम लग रहा है यहां से यहां तक आने में? इट इज डेल्टा टी. ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट the angular velocity is given by the formula angular velocity will be omega is equal to angular displacement upon time taken. yahan pe jo angular displacement ho raha hai that is theta 2 minus theta 1 and time taken is t2 minus t1. ये भी जो भी स्पीड होगी उसे हम लोग एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है ना? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. इट विल बी थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय टी 2 माइनस टी 1. देयरफॉर एवरेज एंगुलर स्पीड विल बी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा
by delta t. This is the formula of angular speed. Omega is equal to delta theta by delta t. अब देखो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा ले लेते हैं, ठीक है? तो टाइम इंटरवल इज टेकन टू बी वेरी वेरी स्मॉल, लिखूंगा यहाँ पे फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा ले लेते हैं. इफ द टाइम इंटरवल इज टेकन टू बी वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन राइट, याद करो चैप्टर नंबर 3 में जैसा किया था, वी कैन राइट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एवरेज एंगुलर स्पीड विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. ओके अब अगर टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो तो डेल्टा गेट्स कन्वर्टेड इनटू, याद आ रहा है किसी को, डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो जल्दी से, दिस डेल्टा विल गेट कन्वर्टेड इनटू डी. देखो लेट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब देखो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, कहां था इनिशियली? तो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इट वाज एट दिस पोजीशन, यहां से यहां तक गया, ठीक है? इतना सा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इफ वी कंसीडर दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी वेरी वेरी स्मॉल, छोटा यानी एकदम इतना सा ले लेते, ठीक है? यानी ये जो एंगल है वो इतना ज्यादा नहीं है, बट ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड अप टू दिस पोजीशन ओनली. बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी थीटा टू यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था उससे बहुत ही कम हो. दिस एंगल इज थीटा टू. तो ये वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये वाला ध्यान से देखना, दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट, ये जो येलो कलर का कर रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा एंड ऑलमोस्ट द पाथ विल सीम टू बी लीनियर. समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता तो पाथ कर्व जैसा दिखाई देता, बट यहाँ पे बहुत ही कम है, देयरफॉर दिस पाथ विल सीम टू बी लीनियर, लीनियर दिखाई देगा. और यहाँ पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे मान लेते हैं डी आर, ये हो गया डी आर. डी आर मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट. तो फ्रॉम फिगर वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डी आर बाय टाइम यानी डी टी, ठीक है? इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 2 को 1 के साथ डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलेगा? वी गेट v बाय ओमेगा इज इक्वल टू v यानी डी आर बाय डी टी और ओमेगा यानी डी थीटा बाय डी टी. इसमें ये जो dt है वो कट हो जाएंगे, विल गेट डी आर बाय डी थीटा, विल गेट डी आर बाय डी थीटा. इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं डायग्राम को.
अभी आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रॉम फिगर पहले v इज इक्वल टू v का इक्वेशन बन लिख देता हूं मैं, v बाय ओमेगा वी विल गेट v बाय ओमेगा इज इक्वल टू डी आर बाय डी थीटा। इस इक्वेशन को बोल देते हैं नंबर थ्री। याद करो हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू में ये पढ़ा था दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी थीटा, जो भी छोटा सा एंगल है यहाँ पे लिख देते हैं। चलो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ देखो फ्रॉम फिगर वी हैव द आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी आर, आर्क की जो लेंथ है वो डी आर है तो लिखेंगे यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज डी आर बाय रेडियस। इसको मैं आर इमेजिन कर लेता हूँ, लेट द रेडियस इज सपोज आर, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डी थीटा। इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थ्री, फोर की वैल्यू थ्री में डाल देते हैं, क्या मिलेगा v बाय ओमेगा इज इक्वल टू डी आर बाय डी थीटा यानी डी आर डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे R होगा डिवाइडेड बाय जो ऊपर जाएगा बाद में, ये कट हो गया। वी विल गेट V बाय ओमेगा इज इक्वल टू R, ऐसा मिल जाएगा विल गेट V बाय ओमेगा इज इक्वल टू R। देयरफॉर V इज इक्वल टू R into omega. This is the relation. याद रखना, this is the relation between V and R. यही equation हमको derive करना था. This is our final equation. Okay, V is equal to R into omega. जल्दी से लिखो and then raise your hand. बोल दे chain rule. So before starting the next theory. We'll see what is chain rule of differentiation. सारे rules नहीं देखेंगे, सिर्फ multiplication वाला rule ही देखेंगे. Chain rule of differentiation. ये कहाँ काम आएगा? अभी ये वाले chapter में एक equation derive करना है, तो equation of acceleration. जिसमें radial acceleration भी है, a is equal to ar plus at. ठीक है, ऐसा कुछ equation हम लोग थोड़ी देर के बाद derive करेंगे, maybe next lecture में करेंगे. ओके, तो ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए वी विल नीड चेन रूल. ठीक है, चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं चेन रूल करा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का. कौन सा रूल करने वाले? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला. सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रूल करेंगे. तो ये रूल ऐसा है दैट इफ यू हैव डी बाय डी एक्स ऑफ दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो, दो फंक्शंस जो बोलते हैं, दिस टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, एफ और जी दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो, तो इसका आंसर होता है सबसे पहले एफ को बाहर निकालो, एक को बाहर निकालना है, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन डी जी बाय डी एक्स प्लस फिर जी को बाहर निकालो पहले वाले का डिफरेंशिएशन. दिस इज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या करना है? एक को बाहर निकालना है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले को बाहर निकालना है, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन. ठीक है, इस तरह से चेन रूल लगाना है.
जैसे ऐसा दिया हो डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होने नहीं चाहिए. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी विल गिव, पहले ए को बाहर निकालो डी बी बाई डी एक्स, फिर बी को बाहर निकालो डी ए बाई डी एक्स. वैसे अगर ऐसा दिया हो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा अलग होगा. इफ यू हैव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, लाइक इफ वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्रॉस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्रॉस बी दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, ए को बाहर निकालो ए क्रॉस db by dx, प्लस फिर क्या करना है b को बाहर निकालना. बट याद रखना ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बहुत जबरदस्त होता है, इसमें उल्टा नहीं चलता. दैट इज a क्रॉस b कैन नॉट बी इक्वल टू b क्रॉस a. इसमें सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है, a के बाद b आ रहा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे और चेन रूल भी लगाएंगे तभी क्या करना है हमको, a के बाद ही b आना चाहिए. यानी यहाँ पे क्या होगा, यू विल राइट डी ए बाई डी एक्स क्रॉस बी. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं लिख सकते इसकी जगह लाइक बी क्रॉस डी ए बाई डी एक्स. ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते. आंसर यही होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस डी बी बाई डी एक्स प्लस डी ए बाय dx cross b. वैसे अगर ऐसा दिया हो d by dt of p cross q, तो क्या होगा इसका आंसर, पहले p को बाहर निकालो dq by dt, फिर क्या होगा we'll have dp by dt cross q. okay, सिमिलरली अगर ऐसा दिया हो d by dt of omega cross r, क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे, स्टार्ट राइटिंग एंड गिव मी द फाइनल आंसर. ये अपना फाइनल आंसर है, आगे देखते हैं. आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन, हमको वो प्रूव करना है याद रखना. उससे पहले ये रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, वेक्टर रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, v और ओमेगा के बीच का वेक्टर रिलेशन. देखो स्केलर रिलेशन तो हम लोगों ने डिराइव कर दिया, स्केलर रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, दैट वाज द स्केलर रिलेशन. अभी डिराइव करेंगे वेक्टर रिलेशन. वेक्टर रिलेशन डिराइव नहीं करना है और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा. एग्जाम में अगर आपको पूछे राइट द वेक्टर रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, बस बात खत्म, ये इतना ही लिखना है v नो दैट, या फिर कैसे भी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. दिस इज द वेक्टर रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा. ओके, बट मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि ये रिलेशन कैसे आ रहा है. ठीक है, हाउ इट्स ओमेगा क्रॉस आर एंड नॉट वाई वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा और ऐसा ही क्यों आ रहा है उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, विच विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और आगे की न्यूमेरिकल्स के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. मान लो एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ द शेप लाइक दिस, जैसे कोई एक शेप का ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, थ्री इफेक्ट देने को ट्राई कर रहा हूं.
is an object. ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट में से मैं एक रॉड, थिन है, थिन रॉड, इट इज पासिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट में से एक रॉड पास हो रहा है लाइक दिस. ऐसे कोई एक रॉड पास हो रहा है एंड इफ वी आर, यानी ये अटैच्ड है, ठीक है, इसके साथ रॉड इज अटैच्ड विद दिस सरफेस. और अगर इसको मैं ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, इट इज रोटेटेड लाइक दिस, तो ये पूरा जो सिस्टम है वो ऐसे रोटेट होने वाला है. ओके, पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, इट विल रोटेट. चलो जब ये रोटेट हो रहा हो तो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल हो जाते हैं, वो पार्टिकल थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा बहुत. इमेजिन अ पार्टिकल विच इज एट अ डिस्टेंस, आर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस दूर, यहां पे कोई भी एक पार्टिकल इमेजिन करो. दिस पार्टिकल इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया हुआ है उसी का पार्टिकल है ये वाला. तो ये वाला पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, तो विल बी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, कैसा मोशन परफॉर्म करेगा. तो ऑब्जेक्ट विच इज एट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा. दिस ऑब्जेक्ट एज अ होल इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, पूरा ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, विच टाइप ऑफ मोशन विल इट परफॉर्म. नो आंसर. चलो भाई पेन का एग्जांपल लेते हैं. दिस सपोज अ पेन, पेन में यहाँ पे वो स्क्रू होते हैं ना तीन, देखना भाई हर जगह होते ही है ऐसे, ठीक है, अभी भी आपको देखना हो तो देख सकते हो. पंखे में यहाँ पे वो तीन स्क्रू जनरली होते हैं, किसी किसी में चार भी हो सकते हैं. तो ये वाले जो स्क्रू है, विच टाइप ऑफ मोशन द स्क्रू विल परफॉर्म इफ द फैन इज रोटेटिंग, फैन रोटेट हो रहा हो तो वो स्क्रू कैसा मोशन परफॉर्म करते हैं, विच टाइप ऑफ मोशन. कैसी टाइप का मोशन होगा जल्दी से बताओ. एक स्क्रू को इमेजिन करो, स्क्रू कैसे ऐसे ऐसे जा रहा है ना, स्क्रू को इमेजिन करे, स्क्रू इज मूविंग लाइक दिस, कैसा मोशन हुआ ये. सर्कुलर मोशन, सही है नेहा, इट विल परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. सो दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर मोशन का मैं ट्रैक बना रहा हूं लाइक दिस. दिस ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, ठीक है, यही नहीं, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अभी. ओके, ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम. जब पार्टिकल ये जो रेड स्पॉट मैंने बनाया हुआ है उस पॉइंट पे हो, ये वाले पॉइंट पे,
व्हाट इज द डायरेक्शन, ये वाले पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा? बताओ ये वाले स्पॉट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऑप्शन दे रहा हूं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, अवे फ्रॉम द रेडियस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, या गोइंग अपवर्ड या गोइंग डाउनवर्ड, ये पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? रेडियस की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या टेंजेंट की तरफ? I got two answers from you people. और आंसर है tangent, tangent. सही आंसर है along the tangent. Yes, tangent is the correct answer. ये वाले केस में जो direction होगा वो direction होगा tangent की direction में. Like this. टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा. ऐसे देखा जाए तो ये आर एंड दिस वेलोसिटी, ठीक है, ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी एंड आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दोनों के बीच का अगर मैं एंगल फाइंड कर रहा हूं लाइक दिस, दिस विल बी 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री होगा? बिकॉज velocity is along the direction of tangent, r is along the direction of radius, and radius is always perpendicular to tangent. Radius and tangent hamesha perpendicular hote hain. Ab ye batao, what is the direction of angular displacement? Object rotate aise ho raha hai, what is the direction of angular displacement? Option de raha hu, upar ya niche, do hi option hai. Angular displacement kahan ho raha hai? You are looking from top, ऊपर से आप लोग देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो. जब ये रोटेट होगा तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर या नीचे? यस, डाउनवर्ड इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज अपवर्ड्स, ऊपर की डायरेक्शन में होगा. कैसे पता चलेगा? वी हैव टू रैप अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. अगर वो फिंगर्स रैप करने का समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल आप लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रू है लाइक दिस. ये स्क्रू है, स्क्रू को ऐसे रोटेट करोगे जैसे अभी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो वैसे. लाइक अगर स्क्रू को ऐसे रोटेट करोगे, इमेजिन करो अगर स्क्रू को ऐसे रोटेट करोगे तो स्क्रू ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सोचो, स्क्रू को ऐसे घुमाने से स्क्रू क्या होगा? देखो ऐसे करके देखो हाथ से और इमेजिन करो क्या होगा. या फिर कोई भी ढक्कन हो, ठीक है, वाटर बॉटल का ढक्कन हो या कोई भी, अगर उसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं लाइक दिस तो क्या होगा? It will come out, yes, ऊपर आएगा, ठीक है. ऐसे घुमाने से क्या होगा? ऊपर जाएगा. इसलिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन अपर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन किसका होगा? दिस डायरेक्शन इज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की डायरेक्शन में. अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में होगी. क्यों होगी? बिकॉज ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? इट इज डी थीटा बाय डीटी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डीटी. तो जो डायरेक्शन डेल्टा थीटा की है वही डायरेक्शन ओमेगा की होनी चाहिए. तो डी डेल्टा थीटा इज इन अपर डायरेक्शन, देयरफॉर डेल्टा ओमेगा या फिर जस्ट ओमेगा विल बी इन अपर डायरेक्शन. अगर ओमेगा ऊपर की डायरेक्शन में है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा. बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ डेल्टा ओमेगा, तो अल्फा भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा. अब देखो टाउ का वैल्यू होता है आई अल्फा, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम लोग. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो जो डायरेक्शन अल्फा का होगा वही डायरेक्शन टाउ का होगा. तो यहाँ पे टाउ का डायरेक्शन भी ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा. एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जो डायरेक्शन ओमेगा की है वही डायरेक्शन वापस एल की होगी.
यहाँ पे ये एल भी ऊपर की डिरेक्शन में होगा लाइक दिस। ये सारी की सारी चीजें ऊपर की डायरेक्शन में है ओके okay? तो जैसे ये ऐसे रोटेट होगा ऑल द थिंग्स आर इन अपर डायरेक्शन ओके। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, सबके घर पे फ्रीज तो होगा ही बिकॉज डोर में क्या लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ खुलता है और राइट हैंड साइड की तरफ, डोर में अलग अलग हो सकता है सबके जगह पे, बट जो फ्रीज का जो डोर होता है वो एक ही टाइप का होता है ठीक है। अगर आपके पास डबल डोर फ्रीज है यानी दोनों साइड अगर डोर है तो कंसीडर द राइट वन ठीक है, राइट हैंड साइड वाला जो डोर है उसको कंसीडर करना, सिंगल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रीज का दरवाजा आप लोग खोलते हो ठीक है, इफ यू ओपन द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, जल्दी से बताओ। फ्रीज का दरवाजा खोलते हो बताओ डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अप होगा या डाउन होगा? चलो भाई पटेल, परीशा, जैनी, प्रिंसी, विश्वा, कृष्णा, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। पैरा सही आंसर, हेतवी सही आंसर, डायरेक्शन इज अपवर्ड्स ठीक है, ऊपर की डिरेक्शन में होगा। अगर रेफ्रिजरेटर को खोलते मान लो ये रेफ्रिजरेटर है उसका डोर हम लोगों ने ओपन किया तो डोर ऐसे ही बाहर आएगा, कोई भी रेफ्रिजरेटर हो दरवाजा ऐसे ही खुलता है ओके। जो हैंडल होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही होता है। अगर दरवाजे को ऐसे खोलेंगे तो वी हैव टू इमेजिन एज इफ देयर इज अ स्क्रू, स्क्रू को इमेजिन करो, स्क्रू को अगर ऐसे घुमाएंगे लाइक दिस ओके, ऐसे अगर स्क्रू को घुमाते तो क्या होगा, द स्क्रू विल कम आउट, इसीलिए डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में ठीक है। तो देयरफॉर ये वाले केस में डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो इस तरह से हमको डायरेक्शंस डिटरमाइन करनी होती है ओके। चलो तो ये हो गया ओमेगा, देखो इन सब में से सिर्फ हमको ओमेगा का काम था, बाकी सारे मैंने ऐसे ही बता दिए तुम लोगों को, आगे कोई एग्जाम्स में काम आ सकता है। तो ओमेगा वी एंड आर ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है ठीक है, वी अंदर की तरफ टेंजेंट की डायरेक्शन में, रेडियस है राइट हैंड साइड की तरफ एंड ओमेगा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ याद करो ए क्रॉस बी वाला कॉन्सेप्ट, ए क्रॉस बी इज सपोज, सॉरी ए क्रॉस बी मैं सी क्यों लिख दिया, A cross B if it is C, ये बताओ what is the angle between A and C? A और C के बीच में एक एंगल कितना होगा? बताओ जल्दी से, A और C के बीच में एंगल कितना होगा? B एंड C के बीच में एंगल कितना होगा? एंड एंगल बिटवीन A एंड B कितना होगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंगल बिटवीन A एंड C याद रखना, अगर ऐसा हो रहा है A क्रॉस B इज इक्वल टू C, देन इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा ठीक है, इट विल बी 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, सिमिलरली द एंगल बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में भी एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। This also is 90 degree always. A and B के बीच में जो एंगल होगा वो कुछ भी हो सकता है ठीक है, इट कैन बी एनी एंगल, ऐसा 90 डिग्री जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनी
ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है ए और बी के बीच में। बाकी अगर ए क्रॉस बी करने के बाद सी मिल रहा है तो ये हमेशा ये दोनों बी परपेंडिकुलर होंगे, जैसे ए परपेंडिकुलर टू सी और यहाँ पे बी परपेंडिकुलर टू सी, ये हमेशा ऐसा ही होगा। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तब बताया होगा मैडम ने दैट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये जो फाइनल आंसर होता है वो राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो करता है, एंड अकॉर्डिंगली ये जो सी होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो आगे की थियरी करें उससे पहले ये लिखो जल्दी से, राइट डाउन दिस थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन दिस थिंग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे नहीं हो पाएगा इसके बाद यू विल लीव, होमवर्क में ये डायग्राम करके रखना, ये वाला, डू दिस डायग्राम, ये लेफ्ट हैंड साइड जो डब्बा बनाया हुआ है ये आपको होमवर्क में करके रखना है। नेक्स्ट टाइम मैं सीधा स्टार्ट कर दूंगा कि ओमेगा ऊपर है, वी अंदर है, आर इस तरफ है, ये सब कुछ मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को ये होमवर्क में लिख लेना है। तो आफ्टर डूइंग दिस थिंग यू कैन लीव, अगर डाउट हो तो रह सकते हो।